अभी आज का बोनस पॉइंट यह है, हमने कल प्लैंक देखा था, स्ट्रेट आर्म प्लैंक देखा था, आज हम देखेंगे फोर आर्म प्लैंक। अभी मैं बताऊंगा कि अगर हमारे कोर मसल को मजबूत करना है और रियली सब कुछ का होलिस्टिक है, इसलिए हमने इसको बोनस में रखा, वहां नहीं रखा है। इसका जो इफेक्ट है बहुत ही प्रभावकारी है और टेस्टेड है, कहीं और जाना नहीं, आप हमें देख लीजिए और समझ जाइए। तो प्लैंक का कल हमने स्ट्रेट आर्म प्लैंक किया था घर में, शायद प्रयास किए होंगे आप। आज उसी का छोटा भाई, जो कि उससे भी ज्यादा सिंपल है, ताकि आप मैडम आप थोड़ा सा साइड हो जाए ताकि आपको दिखे, अब लाइन में रहने की जरूरत नहीं, आप अपने आपको कंफर्टेबल बनाइए। इसका नाम है फोर आर्म प्लैंक, एल्बो प्लैंक, क्लासिकल प्लैंक। बोलिए, फोर आर्म प्लैंक, एल्बो प्लैंक, क्लासिकल प्लैंक। नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें ही मीनिंग शामिल होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल सो जाएंगे। सोने से ही मैं शुरू कर रहा हूँ, जो पुशअप पोजीशन होता है हमारा, ये हो गए। यहाँ तक हम कल हुए थे मैडम वगैरह के लिए, जिनको बिल्कुल ही आज स्टार्टिंग है, इसके क्या करना, जैसा हमने नाम बोला एल्बो, एल्बो प्लैंक, तो एल्बो में आ जाएंगे। फोर आर्म आ गए, ये आ गए। अभी देखिए, जो बिल्कुल स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, एल्बो पर हो जाएंगे। आप सब चाहे तो खड़ा हो जाइए, खड़े हो जाइए। इनको नहीं दिख रहा पीछे वाला, क्योंकि नहीं दिख रहा मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं। आप लोग इधर उधर हो जाइए, देखिए ये आप ऐसे हो जाइए, ये नॉर्मल है, एल्बो पर हो जाइए, ठीक है। एल्बो पर हो गए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, बिल्कुल बिगिनर है जो पहला दिन आज कर रहे हैं प्लैंक, जानते ही नहीं क्या है, आप क्या कीजिए, यहीं से उठाइए, घुटना भी रहने दीजिए, बिल्कुल बेसिक प्राइमरी, कितना ही उठाइए, इतना उठा लेंगे। बोलिए आप लोग, हाँ हाँ, इतना उठा लेंगे, हाँ इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या कीजिए, घुटना को उठा लीजिए, घुटना को उठा लेंगे, घुटना को उठा लिए। और यहाँ से हमारा बिल्कुल लकीर आना चाहिए, एक सीधा लाइन जा रहा हमारे कंधे और पैर के बीच, इसे ऊपर नहीं करना, इसे नीचे नहीं करना है, ठीक है, यहाँ रहना है। कितना देर, कम से कम मात्र 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट, और रिकॉर्ड मैंने कल बताई थी, इस तरह से हम रहे, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ एक बार, क्विक आप रेस्ट ले लीजिए 10 सेकेंड, कर लीजिए, आप कर लीजिए, ऐसे ऐसे हाँ। घुटना पर आइए सर, पहला एक मिनट, घुटना पर सब आइए, हाँ एल्बो पर आइए सर, ओनली एल्बो करके सो जाइए। ये देखिए कुलकर्णी सर को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से फॉलो कीजिए, ये स्टार्टिंग है, यहाँ स्टार्टिंग कीजिए, एल्बो पर आइए, ये उठाइए, ये एल्बो को नीचे ही रखिए, एल्बो को नीचे, हाँ ये देखिए, हाँ ये सर किए, ये देखिए ये सर किए, हाँ यहाँ, अगर बिल्कुल ईजी, नेक्स्ट उठा लीजिए उसको भी, भुट्टा को उठा लीजिए, ये देखिए सर उठा लिए, हाँ घुटना को उठा लीजिए, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा बट को डाउन कीजिए, यहाँ भी सेम प्रोसीजर है, बट को डाउन, बट को झुकाने, बट को हल्का सा डाउन कीजिए सर आप, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पैर फैलाइए सर आप, हल्का सा अपने कमर के लेवल में पैर और कंधा के लेवल में, आप रेस्ट ले लीजिए, 10 सेकेंड का रेस्ट लीजिए, रेस्ट भी ले लीजिए, हाँ मैडम बिल्कुल लेट जाइए, सर का देखिए, सर का सही हो रहा, 10 सेकेंड रेस्ट लीजिए, चलिए स्टार्ट, हाँ डाउन, बट डाउन मैडम, इनको देखिए, बट डाउन, आपका बट डाउन सर, बट डाउन, हाँ बट डाउन, ना तो उठा हो ना दबा हो, हाँ उठाइए मिश्रा सर, उठाइए, बिल्कुल सही है, लास्ट एक रेस्ट लीजिए,
ये लास्ट अपने अपने मन से कीजिए, कितना देर कर सकते हैं। लास्ट फोर आर्म प्लैंक, एल्बो प्लैंक, क्लासिकल प्लैंक, थोड़ा बट डाउन कीजिए सर। हाँ, ये सही है। बस यहाँ होल्ड कीजिए। सर को सीधा आगे रखना है, नजर को ज्यादा आगे नहीं, अपने सामने ही रखना है। पहला दिन है, नो प्रॉब्लम। चलिए, हमने ये सीख लिया, इससे हमारा कोर मसल इंगेज होगा। अब आप लोग खड़े हो जाइए, बहुत ही यूजफुल है ये। आज हमने इस सेशन के दौरान देखा वार्मिंग अप, स्ट्रेचिंग अप और प्राणायाम और योग के आसन सीखा और कूलिंग डाउन सीखा। मुझे उम्मीद है कल हमारे बताए हुए टिप्स को भी आपने सीखा होगा। देखिए मित्रों, मैं मित्रों जब बोल रहा हूँ, अगर हमें सचमुच अपने शरीर में होलिस्टिकली प्रभाव चाहिए तो हमें इसके अलावे भी कुछ करना पड़ेगा। ये मैं कल भी बताया था, मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ भी ध्यान देंगे। हमारा शरीर बहुत कुछ से बना हुआ है, हम अगर यह चाहते हैं कि सिर्फ इस एक घंटा आधा घंटा में हमारा लाइफ चेंज हो जाए, जैसा कि मैं दावा कर रहा हूँ, इस 60 डेज में ये लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। इसमें आप सबको अपने आप को न्यूछावर करना पड़ेगा, आहुति देना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा सा डाइट में भी चेंज, जैसा कि हमने कल बोला था, नमक को घटाइए, चीनी को घटाइए। और एक जोड़ता हूँ, जहाँ भी मैदा का बना हुआ, जंक फूड अक्सर मैदा के बने होते हैं, समोसा हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ब्रेड हो गया, उसको धीरे धीरे घटाइए। पिकल को खत्म कीजिए, साउथ को खत्म कीजिए, जैम को खत्म कीजिए, ये सब धीरे धीरे, क्योंकि हम इस उम्र में अभी आ चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ आए हैं, इसका मतलब है कि आपने ये डिसाइड किया कि हमें जरूरत है। अगर जरूरत है तो इसका भरपूर लाभ उठाइए और कहीं थोड़ा थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ इसका भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। अगले 60 दिन तक हम रहेंगे और अपने हम इजाजत लेते हैं इसके साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।